दोस्तों 2023 में तो अगर आप लोग का जीरो सब्सक्राइबर है फिर भी आप लोग अपना शॉर्ट वीडियो है उसको जो कि वायरल करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का जीरो सब्सक्राइबर है या फिर आप अभी के अभी यूट्यूब चैनल खोलो और उसमें जो कि सबसे पहला ही शॉर्ट वीडियो है वो डालो, फिर भी आप लोग का शॉर्ट वीडियो है वो जो कि वायरल होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि दो ट्रिक लगानी होगी और वो दोनों ट्रिक है वो जो कि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो दोनों ट्रिक किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से आप लोग का शॉर्ट वीडियो है वो जो कि वायरल होगा वो सारा कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो पर बताऊंगा। तो अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हो, आप लोगों का भी शॉर्ट वीडियो है वो जो कि कोई भी वायरल नहीं होता है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना होगा। अगर ये वीडियो आप लोग एंड तक देख लेते हो तो आप लोगों को मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आप भी अपना शॉर्ट वीडियो है उसको जो कि वायरल करा सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से 2023 में शॉर्ट वीडियो वायरल होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले हमारी ट्रिक कौन सी है जो 2023 में भाई शॉर्ट वीडियो को वायरल करा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक जो तो ये तो कॉमन में आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारी जो मेन दोनों ट्रिक है वो जो कि अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले बोनस टिप भी बता देता हूँ। तो वो बोनस टिप क्या है दोस्तों, कि बोनस टिप यही है कि अगर आप लोग जो कि यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे पेंसिल वाला एक आइकन मिल रहा है जहाँ से आप लोग अपने जो कि शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हो। तो ये बोनस टिप हमारी यही है दोस्तों कि आप लोगों को थंबनेल है वो जो कि जरूर चेंज करना है, आप लोगों को अपनी कस्टम थंबनेल जरूर लगाना है। जैसे अपन मैं क्या करता हूं कि इसी तरीके से जो कि स्क्रॉल डाउन करके एक अच्छी सी क्लिक की थंबनेल है वो जो कि लगा रहा हूं, तो इसी तरीके से आप लोगों को अपनी थंबनेल है वो तो लगाना ही लगाना है। अब हमारी बात आती है कि आखिरकार दोनों ट्रिक क्या है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके का कंटेंट वो जो के मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारी सबसे पहली ट्रिक के ऊपर। तो सबसे पहली ट्रिक कौन सी है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि रोज एक सुबह एक या फिर जो कि शाम को आप लोगों को टाइम फिक्स करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जो कि सुबह वीडियो अपलोड करते हो तो सुबह का टाइम आप लोगों को फिक्स करना है, जैसे कि 6 बजे या फिर 8 बजे, 9 बजे या फिर 10 बजे, या फिर अगर आप शाम को वीडियो अपलोड करते हो तो आप जो कि शाम का 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जितने भी बजे आप लोग जो कि शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो तो वही टाइम फिक्स करना है दोस्तों। आप लोगों को अगर कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग आज सुबह जो कि 8 बजे डाल दिया तो कल जो कि अपर दोपहर 12 बजे डाल दिए, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। आप लोगों को एक ही टाइम फिक्स करना है और एक ही टाइम पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो है उसको जो कि अपलोड करना है, जिससे आपके ऑडियंस को पता चलेगा कि यार इसका जो कि वीडियो इतने बजे आता है तो आता ही है। जैसे कि अभी मैं छोटा यूट्यूबर 2M पर कर रहा हूं, मेरा रोज सुबह जो कि 8 बजे वीडियो आता है तो रोज सुबह 8 बजे वीडियो आ ही जाता है दोस्तों। तो उसी तरीके से आप लोगों को करना है कि जितने भी आप लोग टाइम फिक्स करना चाहो वो टाइम आप लोगों को फिक्स कर देना है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली ट्रिक थी दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दूसरी ट्रिक बता देता हूँ कि आखिरकार दूसरी ट्रिक कौन सी है। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक कौन सी है दोस्तों, तो दूसरी ट्रिक में आप लोगों को क्या करना है कि टाइटल आप लोगों का जो भी आप लोगों को अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को टाइटल लिखते हो तो टाइटल में आप लोगों को क्या करना है कि 3 हैशटैग आप लोगों को अपने टाइटल में ही लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 3 हैशटैग अपने टाइटल में ही लगाना है और वो तीनों के तीनों हैशटैग कौन से है कि सबसे पहला कि आप अपने देखिए कि हैशटैग शॉर्ट, दूसरा है आप लोगों का हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट, तीसरा है आप लोगों का हैशटैग शॉर्ट वीडियो। तो ये तीनों के तीनों हैशटैग है वो जो कि अपने हर एक शॉर्ट वीडियो में लगाना है, जिससे यूट्यूब को भी पता चलेगा कि यार ये जो शॉर्ट वीडियो है वो जो कि हैशटैग शॉर्ट पर रैंक कराएगा या फिर हैशटैग शॉर्ट वीडियो पर रैंक कराएगा या फिर जो कि हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पर रैंक कराएगा। तो इसी तरह से यूट्यूब खुद ब खुद आपका शॉर्ट वीडियो है वो जो कि रैंक कराएगा और हैशटैग शॉर्ट लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी आप लोगों का शॉर्ट वीडियो है वो जो कि शॉर्ट फीड में जाएगा। तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि तीनों के तीनों हैशटैग आप लोगों को अपने टाइटल में ही लगाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो यही दोनों ट्रिक की बात करने वाला था। तो अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों से दोनों ट्रिक में से कौन सी अच्छी लगी और आप लोगों को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार आगे भी आप लोगों को इसी तरीके का कंटेंट है वो जो कि मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप ये दो वीडियो है वो देख सकते हो। तो थैंक यू।